करेगा तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे तो IIT बन के भी कौन से तीर उखाड़ लोगे? IIT में पढ़ोगे? वहाँ इतना आसान नहीं है जितना तुमको बेवकूफ बनाया जाता है, कोचिंग वाले तुमको बेवकूफ बनाते। मैं तो सही बता रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं आपसे। जो IIT और नीट वाले समझते हैं ना, एक्चुअली क्या है, इतना आसान नहीं है जितना तुमको बेवकूफ बनाया जाता है, कोचिंग वाले तुमको बेवकूफ बनाते। मैं तो सही बता रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं आपसे। जो IIT और नीट वाले समझते हैं ना, एक्चुअली क्या है, तुम लोग 12वीं क्लास के बच्चे हो, तो तुम लोग बहुत जल्दी जो है खेल कर रहे थे जीवन में। बहुत अच्छी बात है कि आप किसी एम के लिए लड़ रहे हो, मैं इसमें आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि आप अपना एक एम सेलेक्ट करते हो। भाई किसी का एम होता है कि आज दौड़ेंगे तो उसको तुम कमजोर थोड़ी समझ लोगे, किसी का एम होता है कि आज हमें आज ये करना है, कमजोर थोड़ी हो आप। लेकिन एक्चुअल में जो जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हो वो सब कुछ नहीं है, सही बात है ये, लेकिन आपको ऐसा दिखाया जाता है कि यही सब कुछ होता। और मैं इंजीनियर होता तो मुझे ये सब नहीं पता होता, मैं आपसे एकदम सही चीज शेयर कर रहा हूँ। मेरे घर में तीन IIT में है, एक IIT कानपुर, दो IIT खड़गपुर, मेरे घर में मेरे भाई, तो मुझे पता है ना कि उनकी सोच क्या है और वो क्या करते हैं और क्या उनका मेरे लिए सोचना है और मेरा उनके लिए क्या सोचना है। तो मैं आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। आप समझ नहीं रहे उस चीज को, वो अलग बात है, आप उसको मजाक में ले लो, लेकिन मैं सच में शेयर करना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाएगी और तुम फर्स्ट ईयर में जाके एकदम जो है जय जयकार होने लगेगी, कोई नहीं पूछेगा भाई कॉलेज में जाके तुमसे। ध्यान रखना, तुम्हारी AIR 1 आ जाए चाहे AIR 10 आ जाए, अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि आपका एम है, क्यों आप उस चीज को अचीव करना चाहते हो तो करो, उसके लिए तुम एफर्ट लगाओगे, सीखोगे कुछ। लेकिन बताऊं, कई लोग इसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं कि सर आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हो। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर JEE हो या नीट हो, आपको कोई चीज, आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको वो चीज मिलनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिलेगी, तो इतना इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ था। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मिलेगी बहुत बढ़िया, हम भी ताली बजाएंगे, आप भी ताली बजाना अपने लिए कि भाई चलो हमने कुछ किया जीवन में, अच्छी बात है। लेकिन वो परम सत्य नहीं है, जो सत्य कॉलेज के बाद होता है वो एक्चुअल परम सत्य है, और उस लेवल पे अभी तुम लोग नहीं पहुंचे हो, और तुम वहां नहीं पहुंचे इसलिए तुम लोगों को बेवकूफ बना लिया जाता है।